6 फरवरी की रात पटौदी का बाबर शाह मोहल्ला, दो धर्मों के बीच शादी को लेकर दो गुटों में भिड़ंत, पत्थरबाजी और फायरिंग। राइफल से ताबड़तोड़ फायरिंग करता ये शख्स बजरंग दल का जिला संयोजक मोनू मानेसर है, जो एक के बाद एक फायरिंग कर रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ये वीडियो पटौदी के बाबर शाह मोहल्ले का है, जहां दो समुदायों के विवाद मामले में बाबर शाह मोहल्ले के बजरंग दल के सैकड़ों युवा डोली और उसके साथी को चेतावनी दे रहे थे। तभी डोली और उसके साथियों ने बजरंग दल के युवकों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। अचानक हुए पथराव के बाद बिगड़ती स्थिति को देखकर मोनू मानेसर और उसके अन्य साथियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी वीडियो स्थानीय लोगों ने अपने मोबाइल फोन पर बना लिया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जिसके बाद देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया। दरअसल ये पूरा मामला दो धर्म यानी हिंदू लड़का राकेश और मुस्लिम लड़की की शादी से जुड़ा है। 31 जनवरी को बाबर शाह मोहल्ले के रहने वाले व्यक्ति ने अपनी बेटी के घर से गायब होने की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई थी। अभी पुलिस गुमशुदा युवती की तफ्तीश शुरू ही की थी कि 3 फरवरी को युवती अपने प्रेमी के साथ शादी कर वापस अपने घर लौट आई। बस इसी विवाद को लेकर राकेश और युवती के परिजनों के बीच विवाद गहराने लगा। इस शादी के बाद पहले हिंदू पक्ष यानी राकेश ने अपने साथियों के साथ जाकर लड़की के घर के आगे टोंट मारा, फिर बाबर शाह मोहल्ले के कई युवा डोली और उसके साथी राकेश के घर के आगे डीजे बजाकर डांस किए, जिसके बाद ये मामला बिगड़ता गया और 6 फरवरी की देर रात राकेश बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ बाबर शाह मोहल्ला पहुंच गया और वहां थारे जीजा आ लिए हैं, दम है तो बाहर निकल कहकर दूसरे पक्ष को ललकारा, जिस पर स्थानीय लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। इस पत्थरबाजी के बाद बजरंग दल की ओर से फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें 21 साल के मोइन के पेट में गोली लग गई। दिनांक 30 जनवरी 2023 को एक व्यक्ति ने पुलिस चौकी पटौदी शहर में आके एक केस दर्ज करवाया था कि मेरी लड़की अपनी सहेली से मिलने के लिए गई थी और वो वापस नहीं आई, तो उसके संबंध में पटौदी पुलिस स्टेशन में 346 के तहत केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई थी। और दिनांक 3/2/2023 को ये चीज़ ज्ञात हुई कि उस लड़की ने अपनी मर्जी से शादी कर ली है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इनमें 6 फरवरी 2023 को एक पक्ष का एक लड़का दूसरे पक्ष के एक लड़के के साथ उसकी कोई कहा सुनी हुई और इस बात को लेके उसने कोई आपत्तिजनक शब्द कहे, जिस बात को लेके दूसरे पक्ष के लोग वहाँ पे आके इकट्ठे हो गए और उन दोनों पक्षों में विवाद हुआ और पत्थरबाजी हुई और उसमें गोली भी चलने की बात सामने आई है। हमने दोनों तरफ की शिकायत लेके और उसमें एक तरफ से 307 का और एक तरफ से लड़ाई झगड़े का और दूसरी धाराओं के तहत केस रजिस्टर कर लिए हैं और उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन में जैसे जैसे फैक्ट्स वेरीफाई होंगे उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। किसी की गोली भी लगी है सर इस मामले में? हाँ बिल्कुल, एक पक्ष को के इसमें टोटल 3 लोग इंजर्ड हुए हैं, लेकिन एक लड़के को गोली लगी है जो अभी वैसे खतरे से बाहर है, लेकिन उसी में हमने 307 के तहत केस रजिस्टर किया है और उसकी स्टेटमेंट के आधार पर कार्रवाई की जा रही है और उसका इन्वेस्टिगेशन में जो चीजें आएंगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वारदात में फायरिंग किसने की इसकी अभी जांच चल रही है। इस बीच मोनू मानेसर का फायरिंग करता ये वीडियो वायरल हो गया। वायरल हो रहे इस वीडियो को लेकर जब हमारे संवाददाता नीरज वशिष्ठ ने मोनू मानेसर से फोन पर बात की तो मोनू ने इस वीडियो के पटौदी के होने की तस्दीक की है। गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।